हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। दोस्तों आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी जी आज बीमार हो गई है। क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई मधु आज। हाँ, तबीयत खराब हो गई, पेट में दर्द हो गया। क्या क्या दवा खाते हो दिखाओ तो। अरे एक ये खाती है मम्मी क्योंकि पेट में बहुत दर्द हो रही है बोल रहे हैं, और एक ये खाती है मम्मी, ये भी पेट दर्द में। अब इसमें तो लिखा है क्विक रिलीफ इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। आप देखते हैं मम्मी अभी अभी खा रखी है, कितनी देर में उनको मिलता है रिलीफ। और ये तो अभी नहीं खानी है, इसको अभी नहीं खाना है, इसको बाद में खाना है। एक ही टाइप की खाएंगे ना इससे। ये भी ना पेट साफ करने की दवा है, देखिए क्रोमापेन प्लस, लेकिन अभी ये नहीं खानी है। क्या करो, चलो खा लिया है, फिर लेटो फिर आप थोड़ी देर। दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी ना तो मम्मी ने कल बहुत ज़्यादा डांस किया है, तो आप लोगों की शायद नज़र लग गई। इतना नज़र मत लगाया कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप कल से काजल लगाएंगे मम्मी को, तो उसके बाद मम्मी को डांस करवाएंगे। लेट जाओगे वहाँ, दवाई रख देना, लेट जाओ आराम करो, फिर मैं आपके लिए जूस बनाऊंगी। तो दोस्तों आज आपको ना दो टाइप के जूस बना के दिखाएंगे हम। एक बनाएंगे हम एलोवेरा का जूस और दूसरा बनाएंगे हम मौसमी का जूस। तो आज वो पिला के देखते हैं क्योंकि पेट में दर्द है बोल रहे हैं, तो मम्मी तो सोने की तैयारी करने लग गई है। हम जूस की तैयारी करते हैं, खाने को भी मन नहीं है ना, पेट में दर्द हो ना। बीमार हो गई आज मम्मी, मजा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, तबीयत खराब हो गई ना। एक तो दर्द हो गया, दूसरी क्या करें बताओ, कैसे बात करें। मन सही रहा तो सब कुछ, आप पार्टी में भी जाना था, कैसे जाएंगे आप, अपनी बस की तो नहीं है, तुम्हें जाना पार्टी में, मैं नहीं आऊँगी। चलना, क्या पता मन बदल जाएगा। नहीं नहीं, मेरा दर्द हो रहा बहुत, पेट में दर्द हो रहा है। शाम तक सही हो जाएगा, अभी तो सुबह ही हो रही है, क्या पता फिर। तुम जाना आराम से, मैं लेट ही रहूँगी आज। अब क्या बनाओगे, अरे खाना भी क्या बनता है बताओ, क्या होगी। रोटी खाने को इच्छा है नहीं, इच्छा कर रही भात ही खाने को, थोड़ी सी भात खा लेना, फिर दलिया खाने को भी मन नहीं है, सब्जी खाने को भी मन नहीं है। तो भात किसके साथ खाओगे? यही तो, और दही खाने को भी मन नहीं है। खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी बनाओगे? खिचड़ी बना दूंगी, खिचड़ी खा लूँगी थोड़ी सी, ठीक है। तो कोई चीज़ में मन नहीं है, ठीक है, आज खिचड़ी बना देते हैं। गला भी सूख रहा। हाँ वो जूस बनाती हूँ। कितना पानी पी लिया मैंने सुबह से? 4 गिलास पानी। खाली पानी अलग हुआ, भी जूस थोड़ा हाँ वो रहता है फ्लेवर वाला। जन्म भरी ऐसा रोने पर मिला मधु, तुम्हें परेशान कर लिया मैंने। कोई परेशान नहीं किया है मम्मी, परेशान नहीं भाई, कहाँ दो बच्चे ठहरे, ड्यूटी वाले ठहरे, उनको बटाना ठहरा, खाना बनाना ठहरा। अभी आप नहीं होते मेरा वीडियो कौन बनाता, अकेले क्या बड़बड़ाती मैं। देखो कितना अच्छा काम हो रहा है मेरा, कितने काम लग रहे हो आप मेरे। अब क्या करें, उनका तो कुछ नहीं कहा तो कुछ कर दिया, कभी झगड़ा जैसा कर लिया, कभी प्यार जैसा हो गया। अब तो झगड़ा करने को भी मन नहीं है, झगड़ा करूँगे तो मेरा करेगी नहीं, मैं कौन करेगा। क्यों नहीं करूँगी मम्मी, क्यों नहीं करूँगी, झगड़ा भी नहीं करना है। लोग बाग हमारा झगड़ा ही ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। कल आपका डांस लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने डांस इतना पसंद किया। उसमें हमारे क्या रहते हैं ना, वीडियोज में से व्यूज आने ही काफ़ी नहीं होते हैं, उसमें घंटे भरने भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप समझ सकते हैं कि सब्सक्राइबर के साथ साथ हमें घंटे भी ज़रूर चाहिए होते हैं, तो हमारे खूब ढेर सारे घंटे आए हैं कल, बहुत सारे वॉचर आए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कल की वीडियो में।
बहुतों ने देखा है उस डांस को और बहुतों ने लाइक भी किया है हमारे कल वाली वीडियो को। थैंक यू दोस्तों। और मम्मी का डांस शायद बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मना नहीं, कोई बात करो, मैं क्या कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर आप आराम करो, मैं जूस बना के लाती हूँ। आज दोस्तों को दिखाते हैं कि एलोवेरा का जूस कैसे बनाते हैं हम घर में, क्योंकि रेडीमेड मिलता है लेकिन मम्मी वो नहीं खाती, क्योंकि ना वो छानते नहीं हैं, वो टुकड़े टुकड़े से होते हैं, वो मम्मी को पसंद नहीं आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। मम्मी के लिए हम कैसे घर में जूस तैयार करते हैं एलोवेरा का, वो आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में। बिगर जूस वाला भी भरने लगना नहीं जान, जूस पिया जब थोड़ी सी आराम मिले, पेट में आराम मिलो। हाँ, एलोवेरा का जूस पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, गले का दर्द भी कम होता है उससे। हाँ पता नहीं क्या बात है जूस से ना। हाँ वो एलोवेरा के जूस से ठंडक पड़ती है ना पेट में। हाँ तभी कम होता है उससे। तो चलिए हम एलोवेरा का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। दवाइयाँ लेने के बाद मम्मी जी के पेट का दर्द शायद कुछ कम हो गया है, तो इसलिए एलोवेरा खुद से छिल रही हैं और उसका पल्प निकाल रही हैं, जिसे पीस के मैं बाद में एलोवेरा जूस बनाने वाली हूँ। एलोवेरा को इस तरीके से छिल के उसका पल्प निकालना बहुत आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाथ फिसलते हैं, मुझसे तो अच्छे से होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए मम्मी कितने अच्छे से इसका पल्प निकालती है अभी। दोस्तों ये एलोवेरा भी ना दो टाइप का होता है, एक जिसके अंदर से सफ़ेद पल्प निकलता है जो कि ये है, और एक दूसरे टाइप का एलोवेरा होता है जिसके अंदर ना पल्प पीले कलर का निकलता है, वो उसका जूस ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, कड़वा कड़वा सा होता है, तो इसलिए उसे फेस पे या स्किन पे जो एलोवेरा का यूज करता है तो उसके लिए अच्छा रहता है, लेकिन जो पीने के लिए जूस होता है वो ये वाइट वाला ही अच्छा रहता है। यहाँ पर मौसमी के जूस की तैयारी हो रही थी, लेकिन मुझे दो कुछ दाने अनार के भी मिले, तो मम्मी ने बोला इसी में मिक्स करके दोनों का मिक्स जूस बना दे। यहाँ पे पहले मैं मौसमी और अनार का मिक्स जूस बनाऊंगी, क्योंकि उसका फिर टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है ना, तो उसका फ्लेवर इस जूस में भी ना आ जाए, तो इसलिए सबसे पहले मैं अनार और मौसमी का जूस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मिक्स फ्रूट यानी कि जो हमारा मौसमी और अनार का जूस था वो रेडी हो गया है। लास्ट में अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक। अब नेक्स्ट जूस बना रही हूँ मैं एलोवेरा का, तो मैंने वही पल्प जो मम्मी ने छिल के रखा हुआ था वो पल्प इसमें डाल दिया है, और अब जूस बनना रेडी। मैंने एलोवेरा पल्प में थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाया था, और ये जूस हमारा रेडी है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मम्मी को ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आधा गिलास मैंने ये बनाया हुआ है। अब मैं इसे ऐसे ही सर्व नहीं करूँगी, बल्कि इसमें थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।